इस वीडियो में जितने भी मैक्सी ड्रेसेस हैं ये अंडर 400 रुपीस में हैं एंड आपको डेफिनेटली पसंद आए। हाय एवरीवन, आई एम माधुरी एंड वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ फ्लिपकार्ट से ड्रेसेस हॉल वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो फ्लिपकार्ट से ड्रेसेस हॉल वीडियो शेयर करना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जो फ्लिपकार्ट पर ड्रेसेस मिलते हैं ना, वो ड्रेसेस पहनना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। शुरू से ही मैं हमेशा ही ट्राई करती हूँ, ढूंढती रहती हूँ। इतना ईजी नहीं होता है फ्लिपकार्ट पर ड्रेसेस को फाइंड आउट करना, क्योंकि अगर आप मैक्सी ड्रेसेस या मिडी ड्रेसेस डालते हो तो बहुत ही बकवास ड्रेसेस आपको सबसे ऊपर दिखती हैं। बट इनको ढूंढना एंड अच्छी ड्रेस को छाट कर लाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सो मैं भी कभी कभी खरीदती रहती हूँ, फिर इकट्ठा करके एक हॉल वीडियो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मुझे ये ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं जो फ्लिपकार्ट से मैं बाय करती हूँ। उनके प्रिंट्स, उनका फैब्रिक एंड उनका कंफर्ट जोन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो दैट्स व्हाई मैं ड्रेसेस तो ऑलवेज फ्लिपकार्ट से ही खरीदती हूँ। एंड अगर आप ऐसे ही नॉर्मली सर्च करते हो ना, तो आपको इतने अच्छे ड्रेसेस नहीं दिखते, तो आपका ये ओपिनियन बन जाता है कि फ्लिपकार्ट पर अच्छे ड्रेसेस नहीं मिलते, बट ऐसा नहीं है। सो गाइस, इस वीडियो में जितने भी मैक्सी ड्रेसेस हैं ये अंडर 400 रुपीस में हैं एंड आपको डेफिनेटली पसंद आए। अगर आपके लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल हो एंड आपको ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं इसी तरीके के हॉल वीडियोस लाती रहती हूँ डेली बेसिस पर। एंड गाइस, अगर आपको इनमें से कोई भी ड्रेस पसंद आए तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइस, नाउ विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जितने भी ड्रेसेस हैं मैंने बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में लिए हैं, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ किसका प्राइस कितना चल रहा है। ऑफ़र पर जब बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाता है तभी मैं बाय करती हूँ। सो द फर्स्ट ड्रेस दैट आई हैव दिस वन, एंड आपको ये दिख रहा होगा जो मैंने पहना हुआ है, इतना ज़्यादा सुंदर ड्रेस है। ये टोकियो टोकीज ब्रांड से है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है पहनने पर। दैट इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ पर ये बटन डिटेलिंग है, इस तरीके से चेक चेक्स बने हुए हैं पूरे ही ड्रेस पर। ट्राई ऑन आपको साइड में दिख जाएगा, सो आप देख लेना, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है पहनने पर। प्लस इसमें आपको पफ स्लीव्स मिलती है इस तरह से, यहाँ पर आपको इलास्टिकेटेड मिल जाता है एंड यहाँ पर भी इलास्टिक है। सो इसकी स्लीव्स भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं। ओवरऑल इसका जो नेक लाइन है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। इस तरीके के नेक लाइंस काफ़ी पसंद आते हैं, जो ज़्यादा डीप भी नहीं होते और एकदम बंद भी नहीं होते। एंड इस ड्रेस में ना यहाँ पर इस तरीके से प्लीट्स बनी हुई है, जो काफ़ी अच्छा सा एक मतलब लुक प्रोवाइड कराती है, एकदम फिटिंग बहुत अच्छा आता है एंड काफ़ी सुंदर लगते हैं मुझे इस तरीके के ड्रेसेस। काफ़ी ज़्यादा समरी वाइब देता है, इसको आप नॉर्मली कभी भी पहन सकते हो। प्लस ये फुल लेंथ है तो आप इसको कहीं भी पहन सकते हो, आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। जिनको इस तरीके के ड्रेसेस पसंद आते हैं उनके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। एंड पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मुझे भी इसी तरीके के ड्रेसेस पसंद है, जिनको मैं कहीं भी पहन जाऊं, मुझे बिल्कुल भी ऑकवर्ड फील ना हो एंड बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल ना हो, प्लस स्टाइलिश भी लगे। तो ये इस तरीके के ड्रेसेस होते हैं जो काफ़ी सुंदर लगते हैं। नाउ द नेक्स्ट ड्रेस दैट आई हैव दिस वन, ये भी सेम इसी जैसा है, बट इस पे प्रिंट्स काफ़ी सुंदर हैं। इसको मैं आपके साथ पहले एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ, बट आप लोग मेरे वीडियोस देखते ही नहीं हो, मिस कर देते हो। तो ये इस तरीके से आपको मिल जाएगा ऑरेंज कलर में। इसमें भी सेम आप देख सकते हो नेक लाइन है इस तरीके से। इसको मैंने यहाँ पर स्टिच करा है क्योंकि ये थोड़ी सी खुली हुई थी, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा कंफर्टेबल भी बना सकते हो। प्लस इसमें आपको पफ स्लीव्स मिलती है इस तरह से, पहने हुए आप देखोगे मेरे ऊपर काफ़ी सुंदर लगता है इस तरीके से। आपको ये जो प्लीट्स है ना, सेम जैसे इस वाली ड्रेस में, इसमें थोड़ी कम है, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा इस तरह से प्लीट्स मिलती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फ्लोरल लुक देता है। प्लस मेरा जो चॉइस है ना ड्रेसेस के लिए, वो ऐसा है कि मुझे ना इस एरिया में जो बाहर लाइन आती है ना, इधर पर मुझे प्लीट्स पसंद नहीं आते, फिर वो बहुत ज़्यादा हैवी अजीब सा लगने लगता है, मुझे उसका लुक पसंद नहीं आता। बट जो स्ट्रेट जाता है ना एम्पायर लाइन से, वो मुझे काफ़ी पसंद है। तो इस तरीके से ये ड्रेस मिल जाता है, प्लस आपको पीछे जिप मिलता है। मेरी हाइट 5'2" है, सो उसके अकॉर्डिंग आप कंसिडर कर लेना कि आपको कितना लंबा हो जाए। तो ये सारे ड्रेसेस एकदम परफेक्ट आते हैं लेंथ। प्लस पीछे से आप देख सकते हो इस तरीके से आपको जिप मिलता है, बहुत ज़्यादा नीचे तक ओपन हो जाता है। तो अगर आपको थोड़ा अच्छा फिटिंग चाहिए तो आप टाइट भी खरीद सकते हो, क्योंकि जिप है तो आराम से आप इसको बंद कर लोगे। प्लस लाइनिंग की बात करें तो इस वाले में तो बिल्कुल कहीं भी लाइनिंग नहीं है। ओके, सो लाइनिंग की बात करें तो इस वाले में कहीं भी लाइनिंग नहीं है, बट ये बिल्कुल भी शीयर नहीं है, तो आप इसको आराम से पहन सकते हो। नाउ इस वाली ड्रेस की बात करें तो इसमें आपको लाइनिंग यहाँ पर मिल जाता है, जितना ये आपका एम्पायर लाइन वाला पार्ट है ना, इसने में आपको लाइनिंग मिलता है, नीचे कोई लाइनिंग नहीं है। बट अगर इसमें लाइनिंग नहीं भी होता तो भी चल जाता, क्योंकि ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसका फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, देख सकते हो आप, आर पार आपको दिखेगा ही नहीं है। मैं सिंगल फैब्रिक पकड़े हूँ, उल्टा सीधा कहीं से भी देख लो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। सो इसलिए इसमें लाइनिंग की ज़रूरत वैसे भी नहीं है। सो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, प्लस ये पॉलिएस्टर फैब्रिक में, क्रीप या पॉलिएस्टर फैब्रिक में, जो कभी भी इससे कुड़ता नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि वो बिल्कुल भी
श्रिंक नहीं होता, इस तरीके का फैब्रिक है ये। आप अगर आप इसको वेकेशन पर कहीं भी लेकर जाते हो ना ये इस तरीके के ड्रेसेस, तो आपको आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है मुझे। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल क्लोथ है, प्लस ये बहुत ज़्यादा ब्रीथेबल भी है। ऐसा नहीं लगता है कि आपने पॉलिएस्टर पहना है तो आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो एंड आप समर्स में नहीं पहन सकते, इजीली पहन सकते हो। मैं तो हमेशा ही पहनती हूँ, अनकंफर्टेबल नहीं लगते। एक क्रीप फैब्रिक होता है जो एकदम पॉलीथिन जैसा फैब्रिक होता है, तो उसमें बिल्कुल भी अगर आपको स्वेटिंग हो रही हो तो वो ड्राई नहीं होता है। मतलब आप समझ पा रहे होगे मैं क्या बता रही हूँ, इस तरीके के फैब्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। जो ये ड्रेसेस में फैब्रिक प्रोवाइड कराते हैं, इनमें कोई भी ऐसा ड्रेस नहीं होता जो अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि अगर अनकंफर्टेबल होगा तो मैं पहन भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे तो थोड़े कंफर्टेबल क्लोथ्स पसंद आते हैं। नाउ द नेक्स्ट ड्रेस दैट आई हैव दिस वन, एंड या गाइस इसमें ना एक दो कलर और भी आ रहे हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लिया था, 389 का। स्क्रीनशॉट भी मैं लगा दूंगी जिससे आपको पता चल सकेगी मैंने कितने का खरीदा था। सारे स्क्रीनशॉट्स मैं प्राइस के साथ लगा दूंगी, सो आप चेक कर लेना, सारे अंडर 400 रुपीस में है। नेक्स्ट ड्रेस दैट आई हैव दिस वन, एंड ये वाला ड्रेस लिटरली 250 रुपए का मिल रहा था, मैंने 500 का खरीदा था जब ये फ्लिपकार्ट पर नया आया था, तो ये कुछ इस तरीके से मिल जाता है। That is how it looks like. ये मेरा फेवरेट ड्रेस है, मतलब ये हमेशा ही अच्छा लगता है, एवरग्रीन है, कभी भी पहन सकते हो, बोर नहीं होगे, क्योंकि बेसिक सा ड्रेस है जो है इसका। ये आपको नेट मिलते हैं जो बिल्कुल भी चुभता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, ट्रांसपेरेंट तो है इतना बट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इतनी आपको लाइनिंग मिल जाती है, नीचे कोई लाइनिंग नहीं है इतने पार्ट में। ये प्रिंट्स काफ़ी सुंदर हैं। ये ड्रेस मेरे पास 2 साल से है, मैंने इसको जाने कितनी बार वॉश कर दिया है बट ये ख़राब नहीं हुआ है। सो आप इसको खरीद सकते हो, मैंने 500 का खरीदा था, आपको ये 300 रुपये में भी मिल जाएगा अभी, क्योंकि इस पर हमेशा ही अब ऑफर चलते हैं, क्योंकि अब इतने टाइम से मिल रहा है तो उनको भी लग रहा होगा चलो सस्ता निकाल देते हैं। तो 500 रुपये के आसपास का ख़रीदा था मैंने, फिर ये 400 का हुआ, फिर 300 का हुआ, एंड अभी बिग बिलियन डे सेल पर ये 250 का मिल रहा था। सो आप चाहो तो खरीद सकते हो, इसके साथ बेल्ट भी मिलता है, एंड मैंने इसको 4-5 बार ही पहना है, वैसे तो इतना मौका नहीं मिलता है कहीं पहनने का, बट हाँ 5 से 6 बार आराम से पहना होगा। सो वॉश करा मैंने, उसके बाद भी आप देख सकते हो आपको कहीं से पुराना नहीं लग रहा होगा। सो इस तरीके से प्रिंट्स हैं, एंड इसके साथ बेल्ट मिलता है जो कि मैंने खो दिया है। बेल्ट मैं बेल्ट लगाती भी नहीं हूँ किसी भी ड्रेस के साथ आए तो, मुझे पसंद नहीं है बेल्ट्स लगाना, तो इस तरीके से ये मिल जाता है। एंड बेल्ट जो मिलता है ना वो इसी टाइप का बेल्ट होता है। देखो मेरी हाइट 5'2" है, प्लस आप पीछे देख सकते हो इस तरीके से नेट की डिटेलिंग है, एंड ये जो नेट है ना बिल्कुल भी चुभता नहीं है, प्लस ये पूरा बंद नेक लाइन के साथ आता है, एंड ये हुक मिल जाता है पीछे अटैच करने के लिए। एंड गाइस मैं साइजेस बताना आपको बीच बीच में भूल गई हूँ, तो सारे साइजेस आपको मेंशन होते जाएंगे बीच बीच में, सो आप चेक कर लेना। ये एल साइज में है, एंड इस नेट है ना वो बिल्कुल भी चुभता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, सो आप इसको बाय कर सकते हो। एंड मुझे तो नहीं लगता कि 250 रुपये में आपका कोई भी घाटा है, 250 का टॉप भी नहीं आता है, अभी आपको 250 रुपये में ड्रेस मिल इस तरीके का, तो आप बाय कर सकते हो, सुंदर भी लगता है पहनने पर, एंड ये कलर अच्छा लगता है, हर किसी के ऊपर अच्छा लगेगा, तो आप ले सकते हो। नाउ द नेक्स्ट ड्रेस दैट आई हैव दिस वन, सो ये मैंने अभी अभी बाय कराया, आपने काफ़ी सारे वीडियोस में मुझे पहने हुए भी देखा होगा, बहुत टाइम हो गया मैंने इसको खरीद लिया, मैं सोच रही थी कि हॉल वीडियो बनाऊं तो मैं भूल ही गई फिर। सो ये कुछ इस तरीके से आपको ड्रेस मिल जाता है, दैट इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर ड्रेस है, इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये वैसे 360 रुपीज़ का मिलता है ऑलवेज, बट मुझे अभी ऑफर पर 339 रुपीज़ का मिला है, मतलब 30 रुपये कम हो गए थे, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, बहुत दिन से विश लिस्ट पे भी था, 30 रुपये कम हो गए तो चलो ले लेते हैं, क्योंकि अब हमें तो अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए तो उस अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं। सो इस तरीके से आपको ये नेक लाइन मिलता है, एंड यहाँ से ये खुल जाता है। सो इसमें जो मैंने साइज़ लिया है वो XL है, एंड ये जो है ना पफ स्लीव्स में देखने के लिए मिलता है, एंड मुझे ये ड्रेस इतना ज़्यादा पसंद आया कि अब मैं इसका ब्लैक कलर भी लेने वाली हूँ, प्लस ये फुल्ली इलास्टिकेटेड मिलता है, क्योंकि ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ड्रेसेस में, सूट्स में, टॉप्स में, हर किसी में ब्लैक कलर तो होना ही चाहिए मेरे वार्डरोब में, तो ब्लैक को मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, मेरा ऑल टाइम फेवरेट कलर है। तो इस तरह से आपको पफ स्लीव्स देखने के लिए मिलती हैं, दैट इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। एंड इसका फैब्रिक आप देख सकते हो, काफ़ी मोटा वाला फैब्रिक है जो कि नॉर्मली 1 पीसेस में आता है, सो भी लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, प्लस आप बीच से देख सकते हो इस तरीके से, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ओके, सो यहाँ पर प्लीट्स बनी हैं, देन यहाँ से ये ओपन हो जाता है, ओपन है, सो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा मुझे ये ड्रेस, ये मुझे नी तक आता है, सो मेरे अकॉर्डिंग इसका फिटिंग एकदम परफेक्ट है, एंड मुझे काफ़ी सुंदर लगा ये ड्रेस पहनने पर। वैसे तो नॉर्मल डेज पर मैं इस तरीके की ड्रेसेस पहनती नहीं हूँ, क्योंकि इतना कंफर्टेबल नहीं होती हूँ मैं पहनने में, बट हाँ ओकेजनली मैं पहन सकती हूँ तो मैं ख़रीद भी लेती हूँ, और मुझे शौक है थोड़ा तो मैं ले लेती हूँ अगर मुझे कोई अफोर्डेबल मिलता है तो। नाउ द नेक्स्ट ड्रेस दैट आई हैव दिस वन, सो गाइस ये भी
टोक्यो टॉकीज ब्रांड से है एंड ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया हुआ है, बट आप देख सकते हो मैंने टैग भी नहीं निकाला क्योंकि मैंने पहना ही नहीं है। सो ये कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है पिंक कलर में, बहुत ज़्यादा सुंदर ड्रेस है ये। वैसे ऑलवेज आपको 350-400 तक का मिल जाता है, मैंने इसको 280 रुपीज़ का ख़रीदा था क्योंकि शॉपसी से ख़रीदा था मैंने इसको। सो अगर आप लोगों को नहीं पता तो फ्लिपकार्ट का जो एक ऐप है वो शॉपसी, तब नया नया आया था तब मैंने उस पर ये अफोर्डेबल प्राइस में ख़रीद लिया था। एंड ऐसे ही नॉर्मली मैं देख रही थी, इस अकाउंट से आप फ्लिपकार्ट पर लॉगिन करते हो ना, उसी अकाउंट से आपको शॉपसी पर लॉगिन करना होता है तो आपकी विश लिस्ट वहाँ भी खुल जाती है। तो ये काफ़ी दिनों से विश लिस्ट था मेरा, इस तरह से आपको प्रिंटेड मिल जाता है एंड उस पर 280 का मिल रहा था तो मैंने सोचा चलो अब इसको ले ही लेते हैं। तो इस तरह से आपको प्रिंटेड मिल जाता है, प्लस ये पॉलिएस्टर काइंड ऑफ अ फैब्रिक है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, दैट इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। इसके प्रिंट्स आप देख सकते हो बहुत सुंदर लगता है एंड मुझे ये ना कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया था पिंक। थोड़ा सा मुझे ये अनकम्फर्टेबल होता है क्योंकि ये मेरे साइज़ से एक दो साइज़ शायद से छोटा, हाँ ये एम साइज़ में मैंने ख़रीदा हुआ है, सो दैट्स वाई मुझे ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है पहनने पर। एंड उस टाइम पर मैंने इसको फिर एक्सचेंज भी नहीं करा, शायद इसका साइज़ अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसको एक्सचेंज भी नहीं करा उस टाइम पर। फिर मैंने सोचा अब ठीक है बन तो रहा ही है तो रख लेते हैं, तो इस वजह से ये रह गया मेरे पास और थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल लगता है बट बन तो मुझे जाता है, ट्राई ऑन में आप देख ही सकते हो। सो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर ड्रेस है, दैट इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। प्रिंट्स काफ़ी सुंदर लगते हैं एंड ये हर किसी के ऊपर अच्छा लगेगा, प्लस ये अगर आप गोवा वोवा जाने में इंटरेस्टेड हो, बीचेस पर जाते हो तो इस तरीके के ड्रेसेस काफ़ी सुंदर लगते हैं। ये हुक है जिसको आपको इस तरीके से टाई अप करना होता है, पीछे का जो बैक है ना वो खुला हुआ रहता है, सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ड्रेस। एंड इसमें जो लाइनिंग है ना वो इतनी मिलती है, आपको लाइनिंग नहीं मिलती है। देन साइड में आपको जिप मिल जाता है, आराम से ओपन हो जाता है तो इसलिए मुझे बन जाता है, अगर इसमें जिप ना होता ना तो शायद ही मुझे बनता भी नहीं, तो दैट्स वाई एम साइज़ में मैंने खरीद लिया। नाउ द नेक्स्ट ड्रेस दैट आई हैव दिस वन, सो ओके वीडियो बनाते बनाते मुझे याद आ गया कि एक ड्रेस मेरे पास और रखा हुआ है, कौन सी दुनिया में जी रही हूँ ये भी तो दिखाना है, तो मैं उठाकर लाई। वीडियो ख़त्म होने से पहले मुझे याद आ गया, नहीं तो मैं सब हटा कर रख देती एंड बाद में मुझे बहुत दुख होता कि मैं कैसे दिखाऊं। तो ये ड्रेस मैंने अभी बाय करा है, तो मैं जैसा कि आपको बता रही हूँ कि बीच बीच में मैं खरीदती रहती हूँ फिर मैं भूल जाती हूँ। ये मैंने ख़रीदा था अभी, तो इसको मैंने एम साइज़ में ख़रीद लिया है, सो इसका जो बस्ट साइज़ है ना वो मुझे आराम से आ रहा है, बट इसमें एक इशू आ रहा है कि ये यहाँ से बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाता है जो कि मुझे थोड़ा सा फंसता है क्योंकि टमी अराउंड मेरे थोड़ा सा फैट है, जिस वजह से मुझे यहाँ से थोड़ा सा टाइट होता है। मैं ये बोलूँगी कि बन तो जाता है बट एक मुझे थोड़ा लूज पसंद आता है, एकदम ऐसा नहीं कि मेरे पेट का स्ट्रक्चर दिख रहा है उस तरीके का मुझे पसंद नहीं आता है। तो इस तरीके से ये मिल जाता है, काफ़ी सुंदर ड्रेस है। इसमें ना एक्सेल साइज़ अवेलेबल नहीं है, एल साइज़ भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं एक्सचेंज नहीं कर पा रही हूँ, बट मुझे लिटरली इसको एक्सचेंज करना है। दो दिन पहले आया हुआ था तो मैं वेट कर रही हूँ, 10-12 दिन शायद जितनी भी रिटर्न पॉलिसी है, तब तक मैं डेली चेक करूँगी कि इसमें एक्सेल साइज़ आ जाए तो मैं इसको एक्सचेंज कर लूँ। अगर नहीं आएगा तो फिर मेरा बैड लक होगा एंड मुझे इसको रिटर्न ही करना पड़ेगा। सो इस तरह से ये ड्रेस मिल जाता है, प्लस ये ड्रेस काफ़ी सुंदर लगता है पहनने पर। गाइस वन मोर थिंग, मुझे इसलिए भी इसको वापस करने में दुख हो रहा है क्योंकि ये ओनली 290 रुपीज़, जस्ट 290 रुपीज़ का ड्रेस है, इसलिए मुझे इसको वापस करने में बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि 296 में तो भी नहीं आता है। एंड इसका फैब्रिक भी अच्छा है एंड ये टोक्यो टॉकीज ब्रांड से, प्रिंट्स भी आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर हैं, तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आपको ख़रीदना हो तो आप ख़रीद सकते हो क्योंकि एम साइज़ अगर आपको बन जाए, वैसे बस साइज़ इसका 38 है जो कि मुझे आराम से आ जाता है, बट वो नहीं आ पाता है, मतलब नीचे से श्रिंक हो रहा है ना ये बॉडीकॉन टाइप में, तो दैट्स वाई मुझे नहीं बन रहा। जिप मिल जाती है आपको एंड कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, एंड इसमें लाइनिंग नहीं है, सो फुल आपको इस तरीके से ये ड्रेस देखने के लिए मिलता है। एंड आप देख सकते हो कि कितना समरी वाइब दे रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। एंड मेन क्या है, एक जैसे ड्रेस होते हैं ना तो आपके लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं, तो आई होप इसमें साइज़ आ जाए, मुझे वापस करने का बिल्कुल मन नहीं है। 10 दिन मैं देखूँगी, अगर इसका आ जाएगा तो मैं एक्सचेंज ही करूँगी इसको, एंड नहीं हो पाया सो अगर मैं पहन ही नहीं पाऊंगी तो क्या सेंस निकलेगा इसको रखने का। गाइस दैट्स ऑल, इस वीडियो में मैंने आपके साथ यही 6 ड्रेसेस शेयर करी, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा ड्रेस पसंद आया। वैसे तो मुझे सारी पसंद हैं एंड मुझे जो पसंद आते हैं वही मैं इकट्ठे करती जाती हूँ फिर ही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपको अगर इस तरीके की ड्रेसेस पसंद हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मेरी पसंद खुद ऐसी है एंड मैं डेली बेसिस पर इसी तरीके के कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। सो गाइस दैट्स ऑल, एंड गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पर हॉल वीडियो लेकर के आऊँ, जैसे कुर्ता सेट एंड बहुत सारी चीज़ें आती हैं फ्लिपकार्ट पर, सो फ्लिपकार्ट या किसी और वेबसाइट से आप हॉल वीडियो चाहते हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।